अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुस्ताख़े रसूल बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और राजा सिंह के ख़िलाफ़ जगदीश मार्केट के दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद करके पीसफुल और साइलेंट प्रोटेस्ट किया। आइए नाज़रीन देखें ये रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तेलंगाना स्टेट हैदराबाद जगदीश मार्केट से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। हम जो है गुस्ताख़े रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो गुस्ताखी हुई है उस पर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। सारी दुकानें बंद करे हैं और पुलिस की इजाज़त लेकर एक साइलेंट प्रोटेस्ट। हम हमारा दर्द हुकूमत को बताना चाह रहे हैं कि हुकूमत इस पर एक्शन ले, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हम सब इंसान हैं और हमारा हिंदुस्तान के हिंदू से हमारे दिल में कोई बुराई नहीं है, वो हमारे भाई है। ये कुछ तंजीमें हैं जो हिंदू और मुसलमान में एक इख्तलाफा डाल रहे हैं और हमारे तेलंगाना का जो हिंदू है हमारी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारा ये बंद करने का, प्रोटेस्ट करने का ये मकसद नहीं है कि हम किसी के अगेंस्ट हैं। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी हर चीज़ हम कुर्बान करने के लिए तैयार है। NRC CA का भी प्रोटेस्ट हुआ, हम सियासी तौर पर भी एहतजाज किए हैं, अमली तौर पर भी एहतजाज किए हैं। हमारा मकसद यही है कि जो भी गुस्ताख़े रसूल है उनको सज़ा दी जाए। इख्तलाफात ना हो कि कोई मुसलमान अगर गलत कर रहा है तो उस पर आप जो है ना कुछ भी सेक्शंस लगा रहे हैं और फिर कोई अगर आपकी पार्टी का है तो फिर उस पर नहीं, सबको इक्वालिटी, हम इक्वालिटी चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि कोई हिंदू है तो उसको सजा दो, मुसलमान है तो उसको सजा दो, हमारा मकसद ये नहीं है। हम पुरअमन, हम मीडिया वालों से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी हक का साथ दें, आप भी हमारे तेलंगाना को आगे बढ़ाएं। तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब है जो आज भी बरकरार है। आप जाके देखिए, मंदिर मस्जिद चौरस्ता है, मंदिर में भजन भी होता है, मस्जिद में अजान भी होती है, तो ये मोहब्बत है और ये दिन ब दिन कम होते जा रही है। हम चाह रहे हैं कि ये ना हो, हिंदू और मुसलमान हम सब साथ रहें। हमारा पैगाम यही है कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जितना अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं उतना ही मोहब्बत हम इस मुल्क से करते हैं। हम मरते भी हैं तो 2 गज़ ज़मीन लेके जाते हैं, इससे बड़ा हमारे से सर्टिफिकेट मांगा जाता है, हमसे NRCC CA के जो है ना कानून लाए जाते हैं। तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि हम भारत के हैं, हम जब भारत पे कोई मुश्किल आएगी तो हम अपना सीना पहले आगे रखेंगे और इस मुल्क के लिए हम आपके सांस तक लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुर्रहमान बिन हसन अवलवी। आज बंद करने की वजह क्या है? यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे दिल में जो तकलीफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा राइट्स है कि हम बंद करें और साइलेंट प्रोटेस्ट करें, हमारा मकसद यही है। और हम गुजारिश करते हैं हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब से और महमूद अली साहब से, जो हमारे पुलिस के अहदेदार हैं, सबसे हम यही गुजारिश करते हैं कि उसके ऊपर FIR बुक करें और इस तरह की जो बातें हो रही हैं इन तंजीमों पे एक्शन लिया जाए, ताकि किसी मज़हब कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबका खुदा एक ही है, मांगने का तरीका अलग अलग है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि सब इत्तेहाद में रहें। हमारा हिंदू भाइयों से कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, हम यहाँ कारोबार करते हैं, हमारे राजस्थानी भाई है, सब है, मिलके हमारे में कभी नाइतफाकी नहीं है, लेकिन ये हमारे एकता को तोड़ने की साजिश है, हम इससे भी रोकना चाहते हैं। हम सबको गले लगाते हैं, हम काम करते हैं।